हेलो देयर एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम स्टैम्प से अपना नेम टैग या हम हमारे आर्टवर्क्स को ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, एंड इस वीडियो में मैं वही टेक्निक से बताऊंगा कि हम एक एम्बॉसिंग या फिर हमारे आर्टवर्क कुछ रिपेटिव डिज़ाइंस होते हैं वो कैसे दे सकते हैं इन एन ईजी वे। अगेन ये मेरा वे है करने का, इसके और कई वे हो सकते हैं जो आप अपने आप से डिस्कवर भी कर सकते हो, तो मैं जस्ट एक अपना मेथड आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे पास वही अपना हमेशा का मोल्डेट है, इसको मिक्स करके मैंने छोटा सा क्वांटिटी में मिक्स किया है, ज़्यादा नहीं। मिक्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बहुत से प्रीवियस वीडियोस हैं, आप जानते हो, देख लो उन्हें, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है मोल्डेट के बारे में तो आप ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, एंड हमेशा की तरह मैंने एक कार्डबोर्ड और उसके ऊपर सेलो टेप लगा दी है। तो अब यहाँ पर हम करना चाहते हैं वो है एम्बॉसिंग। हम लोग मतलब एम्बॉस करने वाले स्टैम्प्स टाइप कुछ बनाने का देख रहे हैं। तो इसमें कैसा होने वाला है कि कई बार हमको कुछ रिपीटेड पैटर्न्स चाहिए होते हैं, कुछ डिज़ाइंस या ऐसा कुछ, तो हर बार अगर वो बनाते रहे तो उससे टाइम कंज्यूम बहुत होता है। तो इट्स बेटर कि हम लोग उसके स्टैम्प्स बना दें। इस मेथड सिमिलर है जो हम लोग ने पहले किया था, सेम करने वाले, सेम टेक्निक्स होगी, ज़्यादा कुछ इसमें कोई ऐसा अलग नहीं होगा। बस इसमें अलग ये होगा कि हम यहाँ पर डिज़ाइंस दिखेंगे, थोड़ी शेप्स दिखेंगे अलग अलग, और क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या कर सकते हैं हम, वो सब हम लोग देखते रहेंगे। तो थोड़ा सा टाइम हो चुका है एंड अब टाइम थोड़ा करते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा शेप में लाते हैं, थोड़ा स्मूथ करते हैं, क्योंकि क्या ज़रूरी है। थोड़ा एक मिनट, मैं इसको थोड़ा जैसे स्मूथ करके रख देता हूँ। सरफेस स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ स्मूथ करने के लिए, ये थोड़ा टूल मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगा छोटा सा, बहुत इजी है वैसे, इतना कुछ है नहीं। ये टूल आपको तो समझ भी गया होगा मैं कैसे बनाया, बट इसको इन थोड़े मैं ऐसे खुद के टूल्स भी बनाते रहता हूँ मोल्डेड से, छोटे छोटे बहुत ही सादे सीधे टूल्स बनाते रहता हूँ जो मेरा काम आसान कर दे। बनाने में बहुत ईजी है, बट कभी कभी छोटे छोटे जो काम होते हैं अपने, उससे बहुत अपना फ़ायदा होता है इन टूल्स यूज़ करने से। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक थोड़ा इजी वाला डिज़ाइन लेते हैं, मतलब भी ये डिज़ाइन आपके ऊपर है, मेरा दिमाग थोड़ा डिज़ाइन इसमें ज़रा कम चलता है शायद, कुछ नहीं। कोई भी टूल्स लो जैसे चाहिए आपको डिज़ाइन बनाना, बस ये याद रखो कि जो भी आपका डिज़ाइन होगा वो एक नेगेटिव होगा, राइट। जब आप उसको उसके ऊपर प्रिंट करोगे, मतलब जब उसके ऊपर स्टैम्प करोगे, तब वो पॉजिटिव बनेगा। जैसे कि अभी ये लाइंस जो अंदर जा रही है, जब मैं उसको स्टैम्प करूँगा तब वो दिखेंगी कि वो बाहर आई हुई है, राइट। ठीक है, ये हो गया। तो इसके ऊपर अब मैं ऐसा कुछ करके देखता हूँ, मैं अभी ये वाला डिज़ाइन यूज़ करूँगा। तो ये वाले मैं आई एम थिंकिंग कि ऐसा कुछ लीफ से ऐसा कुछ बनाऊँ, अभी ये कैसे थोड़ा खड़बड़ी हो रहा है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ऐसा गंदा हो रहा है, तो मतलब उसको हम लोग थोड़ा क्या करें, पानी लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाना, फिर करना, अभी स्मूथ आ जाएगा टेक्सचर, राइट। इसको हम ऐसा खींचेंगे, बस एक हुआ, और एक यहाँ पर दूसरा करेंगे, और अरे आवाज़ बता, और एक यहाँ पर दूसरा करेंगे। अब मतलब डिपेंड, मैं रैंडम कर रहा हूँ, मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ, ये आपको यहाँ देख के करोगे तो और बेटर हो जाएगा। ये निकाल ही देते, चल ये भी निकाल देते, इसको हम यूज़ करेंगे बाय द वे कभी, तो एक्स्ट्रा का ये है जो इसका जो पीछे का होल्डर जो होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। इसको फेंकना नहीं है, क्ले को वेस्ट नहीं करना है, कुचुट बस, ठीक है, इतना इनफ है, राइट। बाद में इसको थोड़ा और जब ये हार्ड होगा ना मटेरियल, तो थोड़ा और इसको हम लोग फिनिशिंग कर देंगे। बाकी आप सर्कल जो है ना वो ऐसा बना सकते हो, रोटेट करते जाने का और बनाते जाने का, बट उसके लिए भी एक इजी टूल है जो मैंने बनाया था, और वो मैं आपको बताऊंगा फॉर श्योर, बट वो मोल्डेड टूल्स वाले वीडियो में जो हम जल्दी डाल देंगे उसमें कर देंगे वो, कि ऐसा ये भी एक ये सॉर्ट ऑफ भी हम जो बना रहे हैं ना स्टैम्प्स, ये भी एक सॉर्ट ऑफ टूल्स ही है,
रिपीटेटिव काम जो होता है ना उसको ये सब आसान कर देते हैं, तो आपका उसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, प्लस फटीग नहीं आता। मेंटल फटीग जो होता है ना वो आता रहता है हमेशा, काम कोई भी हो जो रिपीटेटिव काम होता है ना उसमें हमें हमेशा हमारा मेंटल फटीग आता रहता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये सब ट्रिक्स करते रहते हैं। बस रैंडम डिज़ाइंस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, टाइम पास चल रहा है। जैसे कि और रिपीटेटिव, यू नो रिपीटेटिव डिज़ाइंस का मतलब है जैसे कि जो साड़ी के डिज़ाइन होते हैं, साड़ी के या फिर ड्रैगन के डिज़ाइंस, ड्रैगन के डिज़ाइन नहीं बोल सकते, ड्रैगन के स्केल्स होते हैं राइट, तो उसको भी हम लोग वैसे कर सकते हैं। एंड अगेन मैं छोटे साइज़ में कर रहा हूँ, आप बड़े साइज़ में भी कर सकते हो, इतना इतना बड़ा साइज़ है ये जो बोर्ड है उतने बड़े साइज़ में भी आप कर सकते हो। मुझे मेनली छोटे साइज़ में लगते रहते हैं क्योंकि मेरा जो काम होता है उसमें मुझे छोटे साइज़ बेटर पड़ता है, यूज़ हो जाते हैं पूरे वो उसमें, इसलिए। और एक करना है आपको वो है कि ये जो आपका, तो थोड़ा सा एक ले लेना है और इसको ऐसे ही यहीं पर कोई भी आपकी चीज़ हो मतलब वहाँ पर ज़रा सा लगा के रखना है, ऐसा दबाना ताकि उसका ऐसा फ्लैट सरफेस हो। ये क्यों? बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ हैंडल टू योर स्टैम्प राइट। तो ठीक है, तो चालू करते हैं काम अपना। तो देखो यहाँ पर याद रखिए कि थोड़ा पानी में आप इसको इंसर्ट करके फिल लगाइए ताकि आपका जो मेन स्टैम्प है वो ख़राब ना हो। देखा, ऐसे आपको फिर चाहिए वो आपको डिज़ाइन जो आपने आप बनाए हैं उसके नेगेटिव प्रिंट्स, अब बनाए आपने जो नेगेटिव प्रिंट्स बनाए हैं उसके पॉजिटिव ऐसे यहाँ पर दिख जाएंगे। इनको आप कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो एंड बहुत बढ़िया बनते हैं। और ये काम मेनली हमारा जो काम है ना उसको बहुत ज़्यादा यू नो इजी कर देते हैं, क्योंकि ये सब अगर हर बार स्कल्प्ट करते बैठो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है वो। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी, एक और जैसे कि हमने ये वाला डिज़ाइन किया था छोटा सा, यहाँ लगाया मैंने ये, तो वैसे ही मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, चाहिए वैसा आप, चाहिए वो डिज़ाइन आप बनाते रह सकते हो, मज़ा आएगा आपको बनाने में, प्लस फाइनल प्रोडक्ट देखने में भी। जो प्रोसेस है बनाने का उसे एंजॉय करना मेन आना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोसेस एंजॉय करते हैं ना तो फाइनल प्रोडक्ट एंजॉय करने का मज़ा भी कुछ और होता है, और अगर फेल भी हुए तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको ऐसी डिज़ाइन मिल जाएगी, बस सीधा नॉर्मल रख देना एंड पूरा काम हो जाएगा। तो वैसे इसको सूखने रख देना, कड़क हो जाएगा, वैसे हो जाएगा काम भी। वैसे ही मैंने एक, मेरे पास एक एवेंजर्स का लोगो था उसका मैंने एक ऐसा करके रख दिया था, बट ये उतना यू नो लाइक डीप बन नहीं पाया, सो इसका जो इम्प्रेशन आता है वो उतना खास नहीं आता। आपको दिखा देता हूँ, ये मोल्डेड जो है इसके एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, अलग अलग है और मज़ा आता है इन्हें करने में। ठीक ठीक कैसा होता है ये, ठीक ठाक है राइट, मतलब और ज़्यादा गहरा नहीं था वो, इसलिए। तो ऐसा ही आप कर सकते हो, अलग अलग जो चाहिए वो आपको जो बनाना है वो आप बना सकते हो। तो फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगर आप ये सब ट्राई करते हो, मेरे टेक्निक्स यूज़ करते हो एंड अगर आप ये सोशल मीडिया नेटवर्क पे डालते हो तो ज़रूर यूज़ करना मेरा हैशटैग SMMCreations, या फिर यू कैन टैग मी @SMMCreations सो दैट मुझे भी आपके आर्टवर्क्स देखने मिले। और अगर आपके कोई डाउट्स हो या फिर आपके कोई सजेशंस हो या फिर कुछ भी आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो और कुछ कहना चाहते हो आर्टवर्क के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ऑलवेज आपको रिप्लाई करते रहूँगा। सो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू क्रिएशन। फैन बंद करना पड़ता है रिकॉर्ड करने के लिए, गर्मी बहुत होती है। चालू कर देता हूँ अभी।